प्रिय विद्यार्थियों, आपका आदर्श की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पीछे के लेक्चर के अंदर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझा था और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझा था। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था, उसमें से एक पॉइंट और है, उसकी हमने उसका डिस्कस हम कर नहीं पाए थे, तो उसका डिस्कस इस लेक्चर में पहले कर देता हूँ। फिर हम स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो समतल दर्पण था उसके अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें से एक बिंदु जिसका डिस्कस नहीं हो पाया था वो है, यदि हम लोग दर्पण को, समतल दर्पण है मिरर, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो हम जानना चाहते हैं कि परावर्तित प्रकाश किरण कितने कोण से घूम जाएगी। तो सीधा सा इसका आंसर तो ये है कि 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, लेकिन कैसे उसको आप डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिए। ये आपके सामने एक समतल दर्पण प्रदर्शित है और समतल दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित है, इंसिडेंट लाइट रे, और इसने अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रखा है। अभिलंब के साथ जो कोण बना रखा है वो है आई। कौन सा कोण है? आई। ओके, और आप जानते हैं कि परावर्तित प्रकाश किरण कितना कोण बनाते हुए चली जाएगी। वैसे तो आर है, लेकिन इसकी वैल्यू आई के बराबर ही होती है। परावर्तन के नियमानुसार इसकी वैल्यू होती किसके बराबर है? आई के बराबर ही होती है। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? आई लिख लेता हूँ। ये वाला कोण जो है अभिलंब के साथ बना है, इसको भी मैंने आई लिख लिया है, लेकिन है ये आर, लेकिन आई और आर क्या हैं? बराबर हैं। ओके, अब प्रश्नानुसार हमने क्या किया है? प्रश्नानुसार हमने दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया है। तो दर्पण की नई पोजीशन ड्रॉ करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये दर्पण की नई पोजीशन मैंने ड्रॉ की है, जो ये रेड मार्कर से अभी बना रहा हूँ, ये है अब वर्तमान पोजीशन किसकी? दर्पण की। पहले की पोजीशन है मिरर की एम एन, और नई पोजीशन क्या है? एम डैश एन डैश। ओके, अब देखिए दर्पण कितने एंगल से रोटेट कर दिया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया है। तो जो नॉर्मल है, अभिलंब कहते हैं हम जिसे, वो कितने कोण से घूम जाएगा? पहले की पोजीशन से ये भी थीटा कोण से घूम जाएगा। तो कितने कोण से घूम गया? ये थीटा कोण से घूम गया। पहले का अभिलंब ये देखिए ब्लैक मार्कर से जो हमने बना रखा है, और जो अभी जो अभिलंब हमने बनाया है वो कौन सा है? ये रेड मार्कर से डॉटेड लाइन से बनाया है, थीटा कोण से। ओके, अब हम ये जानना चाहते हैं कि परावर्तित प्रकाश किरण कितने कोण से घूमने वाली है। तो पहले तो नया अभिलंब बनाया है उसके साथ आप कोण बताएं कितना है, किसका? आपतित किरण का। तो ये कोण हो जाएगा आई प्लस थीटा। ध्यान रहे, आई प्लस थीटा आपतन कोण है इन प्रेजेंट कंडीशन। आई प्लस थीटा कौन सा कोण है? आपतन कोण है अभी वर्तमान परिस्थिति में। तो बताइए आपतन कोण आई प्लस थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? आई प्लस थीटा होगा। परावर्तन कोण कितना होगा? आई प्लस थीटा। तो प्रकाश किरण परावर्तित होगी, ये हो गई, ये पहले वाली परावर्तित किरण है जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, और इन अभी के केसेस में जो परावर्तित प्रकाश किरण है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? आर डैश से। तो देखिए ये अभिलंब है अपना, यही तो अभिलंब है। इस अभिलंब के साथ ये वर्तमान परावर्तित प्रकाश किरण कितना कोण बनाएगी? ये बनाएगी आई प्लस थीटा कोण बनाएगी। कितना बनाएगी? आई प्लस थीटा। ये तो एंगल आपने देखे। अब हम तो इसको ज्ञात करना चाहते हैं ना, हमारी रुचि तो इस कोण को ज्ञात करने में है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि परावर्तित प्रकाश किरण कितने कोण से घूम गई ये पता लगाया जा सके। तो हमारा ध्यान इस कोण पर है अभी। तो देखिए ये टोटल कोण कितना है,
देखिए अभी ध्यान दीजिए, जहाँ मार्कर मैं चला रहा हूँ, ये टोटल कोण कितना है इस पर फोकस कीजिए आप, ध्यानपूर्वक देखिए इसे। आप देखेंगे ध्यानपूर्वक देखने पर कि ये तो I प्लस थिट्टा था और थिट्टा और आगे है, तो टोटल कोण कितना हो गया, ये जो मैंने अभी एक डायरेक्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये हो गया I प्लस टू थिट्टा। कितना हो गया? I प्लस टू थिट्टा। जो डायरेक्ट लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन है, इसकी वैल्यू है I प्लस टू थिट्टा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि मेरा ध्यान इस कोण पर है, तो मैंने पहले टोटल एंगल ज्ञात किया है। क्यों ज्ञात किया है टोटल एंगल? देखिए इसके पीछे का लॉजिक, अगर हम लोग कैसे भी करके इस कोण को ज्ञात करने में सफल हो जाएं, अभी जो रेड मार्कर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, इस कोण को हम ज्ञात करने में सफल हो जाएं, तो टोटल कोण में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे, तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, कौन सा कोण है? ये पहले वाली परावर्तित प्रकाश किरण और ये पहले वाला अभिलंब है। तो अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण होता है वो होता है परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर रखा था आई से, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण तो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण क्या है? ये वाला कोण है आई। ओके, तो हमें तो ये वाला कोण ज्ञात करना है ना, ये बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? अब आप लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने उत्तर पहले ही निकाल रखे हैं। देखिए क्या वैल्यू आने वाला है, टोटल एंगल है आई प्लस टू थिट्टा, और इसमें से हमें घटाना पड़ेगा ये वाला, ये कितना है आई, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है? टू थिट्टा। तो बताइए परावर्तित प्रकाश किरण कितने कोण से घूम गई? टू थिट्टा। दर्पण को यदि आप कितने कोण से घुमाते हैं? थीटा कोण से घुमाते हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात पर ध्यान दिया हो कि हमने आपतित प्रकाश किरण में कोई बदलाव नहीं किया है, आपतित प्रकाश किरण के पथ को हमने नहीं परिवर्तित किया है, उसी कंडीशन में ही किसको परिवर्तित किया है? दर्पण को। दर्पण को कितने एंगल से घुमाया? थीटा से। और परावर्तित प्रकाश किरण कितने कोण से घूम गई? टू थीटा से घूम गई। इसी के साथ कुछ बातें और हम समतल दर्पण की करते हैं, और इसके बाद में इस टॉपिक को बंद कर देंगे। समतल दर्पण से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, एक तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। आप अपने आप को दर्पण के सामने लेके जाइए, आप दर्पण में अपने आप को देखिए कंघी करने के बहाने ही, तो आप देखेंगे अपने आप को सीधा खड़े, ऊपर ऐसे टंगे हुए नहीं देखेंगे आप, आप सीधे नजर आएंगे उसके अंदर। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में, वो बराबर साइज का होता है। किसके साइज बराबर होता है? बिंब के। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? साइज की। जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा उसका क्या नजर आता है? प्रतिबिंब नजर आता है। अर्थात प्रतिबिंब और बिंब का साइज क्या होता है? बराबर होता है। आकार साइज क्या होता है? बराबर होता है। कौन से दर्पण के लिए? समतल दर्पण के लिए। और बातें देखिए, बिंब जितनी दूर होगा दर्पण से उतने ही दूर उसके अंदर कोण बनता है? प्रतिबिंब। मेरा कहने का मतलब है कि ये दर्पण पड़ा मान लीजिए, और इसके सामने यहां बिंब पड़ा है, कितनी दूरी पर? इसको हम प्राय U से रिप्रेजेंट करते हैं। किस दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं? बिंब दूरी को। तो बिंब दूरी U है, और इसके अंदर पीछे हमें वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर क्या नजर आता है? यहां कहीं ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती है, बिंब का प्रतिबिंब नजर आता है। यह दूरी कितनी होती है? V दूरी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं V और U दोनों क्या होते हैं? समतल दर्पण के लिए बराबर होते हैं। मतलब जितनी दूर दर्पण से बिंब है उतनी ही दूर कौन है? प्रतिबिंब है। ओके, और एक बात, इससे प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है काल्पनिक, बनता है इमेजिनरी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किससे? इस समतल दर्पण से।
एक इससे प्रतिबिंब जो बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। पहली बात तो काल्पनिक का क्या मतलब है? काल्पनिक का मतलब ये है कि उसे आप तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब प्रकाश किरणें वास्तव में काट करके प्रतिबिंब की रचना नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका पता चलेगा कि परावर्तित प्रकाश किरणें किस पॉइंट पर काट रही है उससे। अगर परावर्तित प्रकाश किरणें रियल में काट रही है तो फिर रियल प्रतिबिंब बनेगा, और यदि इमेजिनरी काट रही है पीछे बनाने पर काट रही है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब का क्या मतलब है? इसका बड़ा ही सिंपल फंडा है। आप घड़ी उठाइए, दीवार घड़ी, और दर्पण के अंदर उसको देखिए, इधर से देख लीजिए और दर्पण के अंदर भी देख लीजिए। आप उसके नंबर लिखें उनको इग्नोर कीजिए एक बार। अब सुइयों की पोजीशन को उसके अंदर देखिए, किसके अंदर? दर्पण के अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर टाइम और जो आपको दिख रहा टाइम उसमें अंतर है। ये पार्श्विक परिवर्तित होने के कारण हो रहा है। और आप अपनी बुक को उठाइए और दर्पण के अंदर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो बदलाव आया है। ये बदलाव क्या आया है? जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड होती है, लेकिन दर्पण के अंदर बनने वाले प्रतिबिंब में क्या बदलाव आ जाता है कि राइट साइड तो लेफ्ट साइड में आ जाती है और लेफ्ट साइड आ जाती है राइट साइड में। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए आप पी लिख करके किसके अंदर देख रहे हैं? दर्पण के अंदर देख रहे हैं, लेकिन आपको उसका प्रतिबिंब क्यू के रूप में नजर आएगा, क्योंकि जो इसकी राइट साइड थी वो किस साइड में आ गई है? लेफ्ट साइड के अंदर आ गई है। इस प्रकार से चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो आप इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? पार्श्विक परिवर्तन कहेंगे। ये कितने पॉइंट आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं को आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, ये चर्चा समतल दर्पण की समाप्त होती है। कोई भी आपको समस्या आती है समझने में, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पेरिकल मिरर। कौन सा है? स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। बहुत सिंपल फंडा है इसमें भी। कैसे? क्योंकि अगर आपने परावर्तन की डेफिनेशन को समझा है तो कैसा भी क्यों ना हो, सतह समतल हो, गोलीय हो, खुरदरी हो, कैसे भी सतह हो, बस नियमों के दायरे में चलते जाइए, प्रतिबिंब का निर्माण होता जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो गोलीय दर्पण आपको दिखाते हैं अभी। गोलीय दर्पण होता कैसा है? सर से मैं कहूँगा कि गोलीय दर्पण निकाल के दें, आपको दिखाएंगे अभी लैब के अंदर। तो गोलीय दर्पण जो है वो कहते किसे हैं? देखिए, गोलीय दर्पण एक बड़े गोले की कल्पना कीजिए, एक कांच का बड़ा गोला, जैसे तरबूज होता है ना, उस टाइप से गोले की कल्पना कीजिए, कांच का बना हुआ है। ऐसे मानिए ये रहा हमारे पास कांच का गोला, ठीक है, ये वर्त नहीं है, ये है गोला। ओके, ये केंद्र हो गया उस गोले का। अब हमने क्या किया है, इस गोले के एक भाग को इधर से काट लिया है। ये जो भाग मैं आपको ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूं, इसको हमने यहां से ऐसे काटा है। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास दर्पण तो नहीं मिल पाया, लेकिन एक लेंस मिला है। लेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इधर से इसके पॉलिश किया हुआ है। ओके, इस साइड से पॉलिश किया हुआ है, तो ये गोले में से काटा हुआ है। अब आप देखिएगा, लेंस तो आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, चलो मैं दर्पण ढूंढ के ही आपको दिखाऊंगा, लेंस को छोड़ते हैं आपको। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसको काट करके, हाँ अपने पास मिल गया है दर्पण, ये देखिए अब आप देख पा रहे होंगे, ये बैक की साइड पॉलिश किया हुआ है और ये रिफ्लेक्टेड है, इससे यहां से परावर्तन होने वाला है। ओके, ये क्या, एक बड़े गोला, ऐसे बड़ा गोला था इस प्रकार से,
ठीक है, उसमें से हमने काट लिया साइड में, जैसे मैंने आपको इधर समझाने की कोशिश की है ऐसे इसमें से काट लिया गया, यहां से हमने इसको काट दिया, ये अलग हो गया इधर वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट अपने हाथ में आ गया। यहां तो मैंने इसकी कर्व को ज्यादा दिखाया है ताकि मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ सके। यहां इसकी देखिए जो ये वक्रता है कितनी है, बहुत कम, आपको ये सीधा लग रहा होगा लेकिन है ये सीधा नहीं है, ये गोले में से काटा गया, बड़े गोले में से काटा गया है, ठीक है, ये देखिए ये बड़े गोले में से काटा गया है। आप बताइए आपको गोल लग रहा है, ये प्रथम दृष्टया में आपको गोल नहीं लग रहा होगा लेकिन कटा तो किसमें है, ये गोले में से ही, ठीक है, तो बड़ा गोला होने के कारण ये सरफेस आपको कैसी लग रही है, लगभग समतल लग रही है। इस बात को ब्रेन में रखिएगा, इस बात का महत्व है, आगे के मैं टॉपिक करवाऊंगा उसमें इस बात का यूजेज है, कौन सी बात का, कि बहुत बड़े गोले में से काटा है और ये लगभग क्या है, सीधा है, इस बात का महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस के अंदर हम लोग यदि एक तरफ पॉलिश कर दें, क्या कर दें, ऐसे मान लीजिए मैंने इधर पॉलिश कर दी, जैसे मैंने अभी अभी आपको दर्पण दिखाया था उसके बैक साइड में पॉलिश है, तो इसके अंदर की जो सरफेस है ना, इधर वाली जो सरफेस है ये किसका काम करेगी, ये वाली सरफेस किसका काम करेगी, ये काम करेगी परावर्तन का, किसका काम करेगी, परावर्तन का। तो ये क्या बन गया है भाई, ये गोलीय दर्पण बन गया है। अगर आप पॉलिश अंदर की ओर कर देंगे तो बाहर की सतह परावर्तन का काम करेगी, तो भी ये गोलीय दर्पण ही है। तो गोलीय दर्पण के कितने टाइप हो गए, मुख्यतः गोलीय दर्पण के मुख्यतः दो टाइप हो गए, एक तो बाहर से परावर्तन हो तब और एक अंदर से परावर्तन हो तब। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या बनती है, परिभाषा क्या बनती है। देखिए जिस प्रकार से हमने गोलीय दर्पण की रचना की है उसी के आधार पर परिभाषा बन जाएगी, कि एक बड़े कांच के खोखले गोले में बड़े कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग, देखिए हमने क्या कर दिया, यहां से काट दिया है, बड़े कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग जिसकी एक सतह परावर्तन का कार्य करे क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यदि आउटर सरफेस पर पॉलिश की गई है और अंदर की सतह परावर्तन का काम करती है तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। चित्र से समझिएगा, यदि आपके पास जो दर्पण है इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे हम दर्पण को आगे से, अगर बाहर की साइड में क्या की गई है, पॉलिश, तो ये जो दर्पण आपको दिख रहा है इस दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहेंगे, ओके। और यदि ऐसा न हो तो कैसा हो, इसी दर्पण के इस साइड में तो पॉलिश कर दी जाए अंदर की सतह पर, तो और बाहर की सतह किसका काम करे, परावर्तन का काम करे, बाहर की सतह परावर्तन का काम करे, तो इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ओके, इसको हम उत्तल दर्पण कह देंगे। ये मुख्यतः दर्पण के टाइप हो गए। देखिए परिभाषा को एक बार पुनः सुन लीजिए, एक कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग जिसकी एक सतह परावर्तन का काम करे क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो टाइप के हैं, एक तो अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, यदि गोलीय दर्पण की अंदर दशा, गोलीय दर्पण का अंदर दशा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करे, बाहर की सतह पर पॉलिश की गई हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और यदि अंदर दशे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और बाहर की सतह परावर्तन का कार्य करे तो उसे हम उत्तल दर्पण कह देंगे, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे संबंधित कुछ एक परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं पेपर में नहीं आती फिर भी आपको पूर्णतः ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि इन परिभाषाओं के बिना आप आगे के टॉपिक्स की कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे और फिर उनको हम समझ नहीं पाएंगे, तो बार बार याद नहीं होंगे, वो बार बार याद करोगे तो भी याद नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह परिभाषाओं को सुनेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं परिभाषाएं, बहुत सिंपल सिंपल सी परिभाषाएं हैं, एक एक लाइन की परिभाषा है, लंबी थोड़ी परिभाषाएं नहीं है। तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ओके। तो परिभाषाओं को समझने के लिए मुझे एक डायग्राम की आवश्यकता है, तो मैं यहां एक डायग्राम बना लेता हूं। ये डायग्राम है
दर्पण का, किसका डायग्राम है, गोलीय दर्पण। अगर आप इधर की ओर पॉलिश कर देंगे और ये परावर्तक सतह है तो ये उत्तल बन जाएगा, इधर पॉलिश कर देंगे ये परावर्तक सतह है तो अवतल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गोलीय दर्पण है आपके सामने। इस गोलीय दर्पण का जो ये वाला भाग है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डॉटेड लाइन से जो डिस्टेंस मैंने शो की है, इसको आप ये बोल सकते हैं कि वृत्ताकार भाग का व्यास, ये वृत्ताकार भाग होगा, ऐसे वृत्त बनेगा बाहर की ओर, ठीक है। तो इसका जो वृत्ताकार भाग का प्रभावी व्यास है ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। तो पहली परिभाषा क्या बनती है, द्वारक। तो द्वारक किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार भाग का, ये वृत्ताकार भाग है तो इस वृत्ताकार भाग का, जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूं उसमें दर्पण में वृत्ताकार भाग कौन सा है, तो वृत्ताकार भाग है उसका जो व्यास है वो क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ओके। अब और परिभाषाएं कौन सी है, जैसे आपने नाम सुना होगा ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं, तो पहले मैं द्वारक दिखा दूं आपको, ये दर्पण मैं आपके सामने वापिस ले आया हूं, गोलीय दर्पण है ये, ठीक है। और इसके अंदर यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो वृत्ताकार भाग जो आपको नजर आ रहा है, वृत्ताकार ही नजर आ रहा है ना, इसका प्रभावी व्यास है ये इफेक्टिव डायमीटर हो गया, इसका व्यास हो गया, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ओके। तो ध्रुव किसे कहते हैं, ये जो इसका प्रावर्तक भाग का मिड पॉइंट है, बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ओके। तो ये यहां जो बिंदु है ये द्वारक कहलाएगा, सॉरी ध्रुव कहलाएगा, ये बीच वाला बिंदु है जो प्रावर्तक सतह के मिड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। तो ध्रुव की डेफिनेशन क्या बनी, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक भाग का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक भाग का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ओके। तो ये तो होगी परिभाषाएं इन ध्रुव और द्वारक की। और हम जानना चाहते हैं कि फोकस बिंदु किसे कहेंगे, फोकस बिंदु से पहले मैं वक्रता केंद्र की चर्चा कर लेता हूं, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। देखिए अभी अभी हमने चर्चा की थी कि जो गोलीय दर्पण है इसे हमने बड़े गोले में से काट करके निकाला है, किसमें से निकाला है, बड़े गोले में से, ऐसे एक बड़ा गोला था, ऐसे बहुत बड़ा गोला था कांच का, उसमें से हमने इसे काट करके निकाला है। तो बड़ा गोला है तो उसका क्या होगा, केंद्र तो होगा ना, गोला है तो गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये रहा वक्रता केंद्र, यहां हमने वक्रता केंद्र को रिप्रेजेंट किया है, वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सी से, ओके। तो ये केंद्र किसका है, गोले का, गोले के लिए तो क्या शब्द लेंगे काम, केंद्र, लेकिन इस दर्पण का क्या है, यह है ये दर्पण का है वक्रता केंद्र। तो डेफिनेशन क्या बनेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी वो सुन लीजिए। डेफिनेशन बनेगी, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, देखिए गोलीय दर्पण है, ठीक है, इसको इस गोले का, बड़े गोले का जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इसमें आप लोग इस कंसेप्ट को अगर ब्रेन में रखोगे तो आप ये गलती नहीं करोगे, कौन सी गलती, कई बालक यहां केंद्र बना के बैठे होते हैं, अब आप बताओ कभी किसी गोले का केंद्र बाहर आएगा क्या, गोला तो ऐसे बनेगा ना, केंद्र बाहर कैसे आ सकता है, केंद्र तो अंदर ही बनेगा ना। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो आप ये बेसिक सा मिस्टेक जो हम लोग अमूमन कर देते हैं, बालक कर देते हैं, वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन याद हुई क्या आपको, आप उस डेफिनेशन को याद कीजिए, बहुत सिंपल है कि गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ओके। तो वक्रता केंद्र के बाद मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं वक्रता त्रिज्या की, किसकी, वक्रता त्रिज्या की, ये भी इसी जैसी डेफिनेशन है, सिंपल एज इसी जैसी ही डेफिनेशन है। देखिए कैसे, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे तो हम त्रिज्या कहते हैं,
केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे तो तिरछा कहते हैं ना। तो वापिस डेफिनेशन सुनिए, गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की तिरझा, उस गोले की तिरझा दर्पण की वक्रता तिरझा कहलाएगी। दर्पण के लिए क्या कहलाएगी? वक्रता तिरझा। और गोले के लिए क्या कहलाएगी? तिरझा। डिस्टेंस वही है। तो आप ये भी कह सकते हैं ये कौन सा बिंदु था अपना? ध्रुव। परिधि परि तो था ध्रुव, और ये कौन है? केंद्र। तो केंद्र और ध्रुव के बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे? वक्रता तिरझा। इसकी दूसरी परिभाषा आप किस रूप में बोल सकते हैं कि ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की जो सीधी दूरी है उसे हम वक्रता तिरझा कहेंगे। ओके, ये परिभाषाएं आपको समझ आ रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ में लिख भी रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं लिख रहे हैं तो अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए और पीछे की परिभाषाओं को सभी को लिख करके आगे साथ में चलें। ओके, तो आगे डेफिनेशन, आगे डेफिनेशन मुख्य अक्ष की बताते हैं आपको। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, अभी मैंने मुख्य अक्ष बिना बताए ही बना दिया ऑलरेडी। पहले ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, किसको मिलाने वाली रेखा? ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। काल्पनिक कैसे कहोगे? ये रहा दर्पण। बताओ इसमें कोई आपको वक्रता केंद्र कहीं टंगा हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ध्रुव भी नजर नहीं आ रहा। तो एक काल्पनिक रेखा हुई ना, रियल में थोड़ी गुजर रही है, वो एक काल्पनिक रेखा है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। याद रह जाएगा, डेफिनेशन नोट कर ली होगी आपने। अब आगे सुनिए, आगे डेफिनेशन फोकस बिंदु की बढ़ा देते हैं। फोकस बिंदु, मुख्य फोकस कहेंगे हम इसे, वैसे फोकस बिंदु बोल दो और मुख्य फोकस बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो मुख्य फोकस की डेफिनेशन, मैं इसको डायग्राम को दोबारा आपके सामने लेके आता हूं, बनाता हूं, और याद रखिएगा बड़ी काम की है। काम की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ाऊंगा। नियम में जो एक नियम इस परिभाषा से निकल के आने वाला है, प्रतिबिंब निर्माण के नियम में से एक नियम इस परिभाषा से निकल के आने वाला है, इसलिए काम की परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है ये, आप समझिए। ये रहा हमारे पास दर्पण, ये हमने बाहर की साइड में पॉलिश किया, तो कौन सा दर्पण बन गया? ये सोचिए, अवतल। कौन सा दर्पण बन गया? अवतल। और ये हमने क्या बना दी है? मुख्य अक्ष। ये ध्रुव रहा और ये कौन है? वक्रता केंद्र। क्या बना दिया हमने? मुख्य अक्ष बना दी है। अब देखिए आप, हम लोग कुछ प्रकाश किरणें लेते हैं जो किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। इनका इस सतह से क्या होने वाला है? परावर्तन। अब परावर्तन में हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है कि किधर जाएगी प्रकाश किरण, बस आप परावर्तन की परिभाषा और उसके नियमों का स्मरण कीजिए जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, और उसमें मैंने अभिलंब पर विशेष बल दिया था कि अभिलंब कैसे बने और कहां बने। तो आपको याद आएगा, अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु पर बनता है। पीछे के लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिए पहले, तब इस लेक्चर पर आइएगा आप। तो अभिलंब हमेशा कहां बनता है? आपतन बिंदु पर। अभिलंब बनता कैसे है? सतह के लंबवत, परावर्तक सतह के लंबवत। और ये आप जानते होंगे जो त्रिज्या होती है वो हमेशा सतह की क्या होती है? लंबवत। पृष्ठ की क्या होती है? लंबवत। त्रिज्या जो है वो होती है लंबवत। तो लंबवत जो है वही तो अभिलंब है ना, और लंबवत है वही त्रिज्या। इसका त्रिज्या किसका काम कर रही है? अभिलंब का। तो बताइए, ये वाला कोण जो है कौन सा कोण हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? आपतन कोण। अगर आपने परावर्तन की डेफिनेशन और रूल्स को ढंग से समझा है तो आपको यह बात समझ में आ रही है कि आपतन कोण कैसे हुआ।
नहीं समझा तो अभी जाइए पीछे वाले वीडियो पर, पहले उसे देखिए और उसे समझ के वापस यहाँ आइए, और फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और व्हाट्सअप कीजिएगा, तो आपको पर्सनली उस प्रॉब्लम का समाधान दिया जाएगा। ओके, तो अब ये प्रकाश किरण जाएगी किधर भाई? तो आपको परावर्तन के कंसेप्ट में हमने बताया था कि अभिलंब बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में रहता है। तो बताइए प्रकाश किरण किधर जाएगी? यहां कहीं से जाएगी ना। अगर अभिलंब को बीच में रखना है आपने तो प्रकाश किरण यहीं कहीं से जानी चाहिए, तभी तो अभिलंब बीच में आएगा, आपतित और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच में। अब आप कहीं इधर मत निकाल देना अभी प्रकाश किरण, अब लेंस के तो पार जा सकती है, लेकिन ये तो दर्पण है ना, तो दर्पण के पीछे तो पॉलिश की हुई होती है ना, तो इसके अंदर से प्रकाश किरण पार थोड़ी निकल सकती है, यहां से टकरा करके इधर ही तो आएगी ना, ये गलती मत कर देना। तो ठीक है, ये मैं बता रहा था ऐसा करना नहीं है, किया हुआ नहीं है। ओके, यहां अब कैसे बनेगा विलंब? वैसे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद बनाइए, यहां विलंब गलत बन जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, खुद बनाइए उसके बाद में देखिएगा मैं कैसे बनाता हूं। ठीक है, तो पहले यहां अभिलंब बना लेते हैं, ये अभिलंब बन गया, ये लंबवत है सतह के, ये आपतन कोण हो गया, और यहां से क्या हो जाएगी प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होती जाएगी, किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होगी, और वो बिंदु किसके ऊपर होगा? वो बिंदु होगा मुख्य अक्ष के ऊपर। ये एफ बिंदु है, ये बिंदु किसके ऊपर है? मुख्य अक्ष के ऊपर है। यहां से दर्पण से परावर्तन हो रहा है, और इस बिंदु को कौन सा बिंदु बोलेंगे? मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु। डेफिनेशन बन चुकी है, सुनिए अब कैसे बन चुकी है डेफिनेशन, इतनी चर्चा से ही डेफिनेशन निकल के आएगी। देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। ओके, तो अब एक डायग्राम, ये तो कौन से दर्पण का था? अवतल का। उत्तल का कैसे बनेगा? मैं फटाफट उत्तल का भी बना के समझा देता हूं, और आप इसका खुद अपने आप अभिलंब वगैरह खींच के देखिएगा। ये काम आपको होमवर्क देता हूं मैं, अभिलंब जैसे मैंने खींच के बताया ना इसमें, ऐसे आप खुद खींच के देखिएगा इसके, मैं डायरेक्ट चित्र बनाने वाला हूं। ये रहा उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष। ये बिंदु कौन सा? ध्रुव P। और यहां इधर कौन सा बिंदु है? कोई वक्रता केंद्र C है। इधर से प्रकाश मत ले आना, इधर कोई प्रकाश नहीं आने वाला, क्योंकि इधर तो पॉलिश की है ना, और जिधर पॉलिश की होती है उधर से अपने चेहरा दिखता है क्या कोई? वहां प्रकाश आने का कोई मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता, प्रकाश तो इधर से आना, इस पर ऐसे आना चाहिए ना, जिस सतह से परावर्तन होता है उसी पर ही प्रकाश आना चाहिए। तो प्रकाश इधर से आएगा, प्रकाश किसके समांतर आ रहा है? प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। ठीक है, प्रकाश आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, इसको भी थोड़ा मैं पास में ले लेता हूं, ये लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश। परावर्तन के बाद किधर को जाएगा? मैंने अभी होमवर्क दिया, अभिलंब तो मैंने बनाऊंगा नहीं, मैं तो सीधा बताऊंगा, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें इधर की ओर ऐसे चली जाएगी। कैसे? अभिलंब आप बनाइएगा। ओके, तो अब ये भी इधर की ओर चली जाएगी ऐसे। बताइए ये परावर्तित प्रकाश किरणें कहीं काट रही है क्या? उम्मीद भी नहीं की जा सकती, कटेगी भी नहीं, ये नीचे की ओर चलेगी ये। ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरणें हैं इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो अवश्य किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और वो बिंदु किसके ऊपर है?
मुख्य अक्ष के ऊपर है, किसके ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो अब डेफिनेशन कैसे बनेगी वो भी सुन लो। डेफिनेशन बनेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इन दोनों डेफिनेशन को मिक्स करते हैं, इन दोनों डेफिनेशन को मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, इसमें भी लाइन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। और अवतल में रियल में मिलती है और उत्तल में आभासी रूप से मिलती है। ओके, ठीक है। अब हम लोग एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, वो कौन सी है? वो डेफिनेशन है फोकस दूरी की। कौन सी डेफिनेशन है? फोकस दूरी की। ओके, फोकस दूरी किसे कहेंगे? बहुत सिंपल है। यहां कहीं फोकस बिंदु बन जाएगा और फोकस बिंदु से ध्रुव तक की जो दूरी है उसे हम प्राय स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। और इसी दूरी को क्या कहते हैं? इसी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कौन सी दूरी कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कहां से कहां तक की दूरी को? फोकस बिंदु से ध्रुव तक की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ओके, और कोई डेफिनेशन तो मुझे याद नहीं आ रही है, कोई रहेगी हो तो? हाँ, एक और याद आ गई, फोकस तल किसे कहते हैं। कौन सी डेफिनेशन? फोकस तल किसे कहते हैं? तो यहां लिख देता हूं मैं 8 नंबर, फोकस तल किसे कहते हैं? समझिएगा, फोकस तल किसे कहते हैं? ये जो मैं अभी रचना कर रहा हूं ये फोकस तल है, ये कुछ इस प्रकार से है, ये हाथ दिख रहा है मेरा आपको, ये फोकस तल है। कैसे? फोकस तल की परिभाषा कहती है मुख्य अक्ष के लंबवत। ये मुख्य अक्ष, ये कौन सी रेखा है? इस रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ओके, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला, फोकस बिंदु इसके अंदर आ जाना चाहिए, तल के अंदर, फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल कौन सा तल कहलाएगा? फोकस तल कहलाएगा। एक तो डेफिनेशन ये रही, ठीक है, एक और सुन लीजिए। अगर प्रकाश किरणें ऐसे आ जाए, ध्यान दीजिएगा चित्र पर, प्रकाश किरणें कुछ ऐसे आ जाए, आपस में तो समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के नहीं, परस्पर तो समांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के नहीं, ऐसे आ जाए तो ये परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकसित कहां होगी, मिलेगी कहां? इसी तल में ही मिलेगी, और जिस तल में मिलती है उसी तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। डेफिनेशन दोबारा सुनिए, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस तल में मिलती है, जिस तल में मिलती है वो तल फोकस तल कहलाता है। तो डेफिनेशंस समाप्त हो चुकी है, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित रूल, नियम, चिन्ह परिपाटी एक होती है, आपने नाम सुना होगा, साइन कन्वेंशन, वो पढ़ेंगे, फिर प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सारे प्रतिबिंब बना बना करके बताऊंगा नियमों के दायरे में। ओके, तो ये अपना लेक्चर समाप्त होता है, इसे आप देखिए, नोट कीजिए।